आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस विषय से उष्मा चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे सीखेंगे। पहला सवाल है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी या उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी या फिर उसका भार बढ़ जाएगा या फिर उसका भार घट जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी उसके अणुओं के कुल वेग का या ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी। किसी वस्तु का ताप जो है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी या अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। कहने का मतलब है, इस प्रश्न का मतलब है, आपके पास मान लीजिए एक गर्म लोहे का छड़ है और एक कम गर्म लोहे का छड़ है। अगर उसको आपस में आप लोग संपर्क मतलब उसके टच में रखते हैं तो उसमें कौन सा प्रभाव पड़ेगा, किधर जो है ऊष्मा का प्रवाह होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जिस रॉड का ताप कम होगा उसमें ताप प्रवाहित होगा, जिस छड़ में अधिक ताप होगा उससे। कहने का मतलब जो अधिक गर्म है उससे ताप प्रवाहित होके बह के उसमें चल जाएगा जिसमें ताप कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है या वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो हम बोलेंगे उस वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी। जब किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होता है इसका मतलब उसमें ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी जो है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है या उसकी चाल घट जाती है या उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है या उसका भार बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब किसी वस्तु को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल जो है घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है पहला डेबी, दूसरा है रामफोर्ड, तीसरा है सेल्सियस और चौथा है फारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामफोर्ड। इन्होंने जो है बताया था सबसे पहले कि उष्मा जो है एक ऊर्जा का ही प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो ऑप्शन सी यानी डेवी इसका सही उत्तर है। चलिए आठवां सवाल हम लोग पढ़ेंगे, जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य और उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, इसका मान 3 ओ
4,0.186 जूल पर कैलोरी या फिर 4.186 × 10⁻⁷। ये जो है इसमें से ये सभी ऑप्शन जो है एक ही इस मान का वैल्यू तीनों का समान है, इसलिए ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू जे, दूसरा है डब्ल्यू इंटू क्यू इक्वल टू जे, तीसरा है डब्ल्यू बाई क्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू जे, और चौथा है जे बाई क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। यानी जब हम W बटा Q करते हैं तो J प्राप्त होता है। यानी पावर को जब हम चार्ज के साथ डिवाइड करते हैं, चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो आपको जूल प्राप्त होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, और चौथा है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है जब हम कुछ पानी का लगातार मंथन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10 महत्वपूर्ण हीट से संबंधित प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए। आप सभी चैनल के साथ बने रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।